हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक्सट्रीम एडवेंचर इंडिया में आप सभी का स्वागत है। ये ब्लॉग काफ़ी दिनों बाद आया है और क्योंकि बीच में मार्च से लगातार लॉकडाउन था और कोई भी हमारी राइड नहीं बन रही थी। तो आज हमने बाइसिकल राइड बनाई है और हम जा रहे हैं अब दृष्टि सेंटर जो जनकपुरी है, यहाँ से जाएंगे सफदरजंग टॉम्ब पे, वहाँ से फिर हम वापसी आएंगे। तो मेरे चार पांच दोस्त भी जा रहे हैं, जो हमारा बैडमिंटन क्लब है जहाँ हम सुबह बैडमिंटन खेलते हैं, वो मेरे दोस्त हैं, तो उनके साथ हम मिलके जा रहे हैं सफदरजंग टॉम्ब पे। तो हमारा जो मीटिंग पॉइंट है वो है डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे, तो डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे हम सब असेंबल्ड होंगे, उसके बाद हम आगे चल पड़ेंगे। मेरी ये फर्स्ट बाइसिकल राइड है और का मोर देन 21 किलोमीटर का डिस्टेंस है वन साइड, तो आना जाना लगभग 42 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये मेरी बाइक है आज के लिए, तो मिलेंगे आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे। और ये व्लॉग मेरे फ्रेंड को ट्रिब्यूट है जो कि अभी 11 जुलाई को हमारे बीच से चले गए हैं, उनकी कमी हम कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। आज का जो व्लॉग है मैं अपने दोस्त को ट्रिब्यूट करूँगा, द शो मस्ट गो ऑन। तो अभी मैं आपको मिलूँगा डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे। अभी मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर पहुंच गया हूं, जो समय हुआ है 5:15, यही हमारा मीटिंग पॉइंट था और यही समय था हमारा मूव करने का, लेकिन अभी तक कोई भी मेरा फ्रेंड्स नहीं पहुंचा है, तो मैं अभी थोड़ी देर वेट करूंगा, उसके बाद हम यहां से अपनी राइड शुरू करेंगे। तो टोटल डिस्टेंस हमारा लगभग 21 to 25 किलोमीटर होने वाला है वन साइड का, और आज की राइड लगभग 50 किलोमीटर की हो जाएगी हमारी सफदरजंग टॉम्ब। और ये एक बहुत ही प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है, अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर फोटोग्राफी। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे सफदरजंग टॉम्ब को। गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं दिल्ली छावनी, दिल्ली कैंट का रेलवे स्टेशन है ये मेरे पीछे देखिए, और हम टोटल 6 राइडर्स हैं। मिस्टर आनंद, मिस्टर जेडी, विकास, विकास जी, राहुल जी, सोनू। तो हम 6 राइडर्स हैं अभी और दिल्ली कैंट पहुंच चुके हैं, और अभी भी काफ़ी सफ़र हमारा है। तो और ये हमारी बाइसिकल, तो अभी आगे चलेंगे। तो वी आर रीच्ड इन ITC मौर्या, जो धौलागोवा पे है, और हमारे राइडर्स बाइसिकल राइडर्स पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे है मौर्या और अभी हमारे दो राइडर भी पीछे छूट चुके हैं, उनका वेट कर रहे हैं। और यहाँ से सफदरजंग टॉम्ब का जो डिस्टेंस है वो लगभग 9 किलोमीटर और रह गया है।
दोस्तों वी आर रीच्ड इन सफदरजंग टॉम और जो समय हुआ है वो 7 बज चुके हैं पूरे। काफ़ी अच्छी राइड रही आज की, मेरी फर्स्ट राइड है और काफ़ी शानदार राइड रही। तो अब हम एक्सप्लोर करेंगे सफदरजंग टॉम और मैं बता दूँ यहाँ की एंट्री फीस है 20 रुपीज़ पर पर्सन। तो आपको बाइक बाहर ही अपनी पार्क करनी पड़ेगी और आप अंदर जाके एंट्री फीस दे के अंदर जा सकते हैं। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं सफदरजंग का टॉम, सफदरजंग का मकबरा ये मेरे सामने है, बहुत ही शानदार है। अभी हमने फोटोग्राफी की थी पीछे। और हम 7 बजे पहुंच गए थे यहाँ पे और 5:50 पे हम चले थे जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर से अपने, और हम 3-4 जगह हमने हॉल्ट किया था। काफ़ी अच्छी राइड रही, फर्स्ट राइड है मेरी बाइसाइकिल राइड जो मोर देन 20 किलोमीटर होगी आई थिंक। तो अभी जाना भी है सेम 30-40 किलोमीटर हमें वापसी जाना है। भैया मेरे पीछे देखिए बहुत ही शानदार। अभी हम ऊपर जा रहे हैं इस टॉम पे, सफदरजंग टॉम पे। ये मकबरा है सफदरजंग का, बहुत ही शानदार। और आज रविवार है लेकिन भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं है। ये देखिए मेरे पीछे कितना शानदार है, और पीछे का व्यू मैं दिखा देता हूँ, बहुत ही खूबसूरत व्यू है सफदरजंग टॉम का। ये देखिए कितना शानदार व्यू है। ये फाउंटेन्स बीच है और ये गार्डन बना हुआ है, और ये देखिए बहुत ही शानदार। चल रहा है लंबा जी वीडियो हैं। हाँ हेलो दोस्तों, चाय पी लो। और जाहिर भाई बहुत टाइम बाद मिले हैं हमें, 6-7 महीने हो गए। मास कटाओ मास है? मास हेलो, हेलो। और बहुत ही खूबसूरत नक्काशी, और ये मकबरा ना, ये मकबरा। मुगलों ने खूब ऐश करी है। ये सफदरजंग टॉम का मेन गेट है और हम 7 बजे पहुंच गए थे यहाँ पे और काफ़ी एक्सप्लोर किया, और अब हम जा रहे हैं वापसी अपने घरों को। और ये हमारे सारे राइडर्स, हमने लगभग 1 घंटा यहाँ पे व्यतीत किया है। काफ़ी शानदार एक्सपीरियंस आज का सभी का। अब बोलो अपना एक्सपीरियंस बोलो। वेरी नाइस एक्सपीरियंस टुडे, वी जस्ट फील द फ्रेश एयर इन द मकबरा। सैनी जी बहुत अच्छा लगा, सफदरजंग जी का मकबरा बहुत बढ़िया था, बहुत आलीशान मकबरा। बहुत देखा कि पीस गुड था, बहुत अच्छा था। जाहिद भाई बहुत मजा, मैं तो बहुत अच्छी फोटो खींची, मजा आ गया। नाउ वी आर स्टार्टिंग टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन ऑफ आवर हाउस। ओके चलो अब हम चलते हैं।
अभी हम अपने घर के करीब पहुंच चुके हैं। जो हमारे घर का डिस्टेंस रह गया है वो लगभग 4-5 किलोमीटर का रह गया है। तो अभी तक आपने दोस्तों मेरे मोटो ब्लॉग्स देखे हैं, मेरी लद्दाख सीरीज देखी है, मेरी कन्याकुमारी सीरीज देखी है। तो ये बाइसिकल का मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो इस बात पे प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। और कोई भी मेरा नया व्यूअर्स है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल। इसी तरह से आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो एट लास्ट दोस्तों, राइड हार्ड, राइड सेफ, वंदे मातरम एंड जय हिंद, सायोनारा।